जय हिंद फ्रेंड्स, आपको अपने परिवार गुडविल एडिक्वेयर में आप लोग का स्वागत है। बाबू, जैसा कि हम लोग सीयूटी को लेकर के प्रिपरेशन करा रहे थे, तो अभी आप लोग का जो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं बाबू, वो रीजनिंग है। तो रीजनिंग में आप लोग का काफ़ी लेक्चर चल चुका है, आप लोग का नियर अबाउट कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, आपका जो भी चीज़ें हैं, चार पाँच टॉपिक ऐसे हैं जो चल चुका है अभी। तो हम लोग आज करेंगे बाबू सिलोजिज्म करेंगे। इसमें भी देखिए, अभी आपका लॉजिकल रीजनिंग ही समाप्त हुआ है, तो इसमें देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद टोटल बेस्ड ऑन योर माइंड हाउ टू थिंक अबाउट क्वेश्चंस। टोटल ये बेस्ड आपके माइंड पे है, बस थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ समझ में आ जानी चाहिए। अगर कुछ ये आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। इसमें क्या है, सिलोजिज्म का मतलब होता है न्याय निगमन, हिंदी इसका होता है न्याय निगमन, यानी आपको न्याय निगमन मतलब होता है कि निर्णय करना, न्याय को कैसे आप लोग निर्णय कर रहे हो, न्याय निगम निगमन वही होता है सिलोजिज्म। तो देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या इसमें आपका टाइप बन सकता है। टाइप हालांकि एक ही सेम है, बस चार इसमें पॉइंट बनता है, इसके बाद उसी चारों पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। और आप सभी लोग खुश रहिए, रंगों का त्यौहार इंजॉय करते रहिए अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ। चलिए शुरू करते हैं बाबू। इसमें क्या हो, सिलोजिज्म का केस फर्स्ट बनाते हैं। सिलोजिज्म फर्स्ट केस क्या होता है बाबू, इसमें फर्स्ट केस बोलेगा ऑल का केस आता, ऑल ए इज बी या ऑल ए आर बी, ऑल ए इज बी। अगर ऑल ए इज बी कह रहा है बाबू, टोटल ए है वो बी है, टोटल ए जो है बी है, तो इसका केस जब भी बनाएंगे, इसका जब भी ड्रॉ करेंगे केस, तो यहां पर लिखेंगे ए। टोटल ए जो है वो किसके अंडर है, बी के अंडर है, ये बी हो गया। ये केस नहीं बनाएंगे बाबू, ये केस नहीं बनाएंगे कि ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो ये तो हो जाएगा ऑल ऑल बी इज ए ना, ऑल बी इज ए हो जाएगा। ठीक, चीजें ये समझ में आया। दूसरा केस तो बनेगा जो बाबू, इसमें दूसरा केस बनेगा सम का केस बनेगा, सम ए इज बी, सम ए इज बी बनता है। तो सम का मतलब कुछ कुछ, यानी सम ए है, ये ए है, ये ए है, और ये इसका जो सम पार्ट है बी है, यानी जो पार्ट है सम ए इज बी, ये वाला पार्ट है सम ए इज बी वाला, सम ए इज बी का केस है। ठीक, इसके बाद बाबू केस बनेगा थर्ड, सम ए इज नॉट बी। अगर ये केस बनता है सम इज नॉट बी, तो इसका केस ये बनाएंगे, कुछ जो ए का कुछ भाग है वो बी नहीं है, ए का कुछ भाग बी नहीं है। और फोर्थ केस बनता, यही सम सम या ये फोर्थ का केस सेम होता है बाबू, नो ए इज वी, यानी ए भी अलग है और बी भी अलग है, ए भी अलग है और बी भी अलग है, ये सब केसे बनते हैं, ये सब केस बनते हैं। ठीक, ये चीज आता है समझ में, ये चीजें पॉइंट बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आ गया। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं। ये चीज है समझ में, एक क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं बाबू। इसमें क्वेश्चन कहा दिया, स्टेटमेंट देता है, देखो स्टेटमेंट स्टेटमेंट देता है और कंक्लूजन देता है। जो स्टेटमेंट जो कंक्लूजन बेस्ड होता है बाबू, सेम स्टेटमेंट पर बेस्ड होता है। टोटल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंक्लूजन, यानी स्टेटमेंट जो देगा, कुछ मान लो एस्टिमेट ए सॉरी स्टेटमेंट दे दिया बाबू, ए ऑल इस तरह स्टेटमेंट दे दिया बाबू कुछ की, ऑल ए इज बी। काहे भैया काहे हंग कर रहे हो,
स्टेटमेंट दे देता बाबू। पहला स्टेटमेंट दे दिया ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी कह दिया बाबू, यानी ये क्वेश्चन। और इसमें दूसरा स्टेटमेंट दे दिया सम बी इज सी। थर्ड स्टेटमेंट दे दिया बाबू ऑल, चाहे ऑल ना लिख करके दे दिया नो नो सी इज डी, इस तरह दे दिया। तब कंक्लूजन दे देगा, फर्स्ट कंक्लूजन देगा, सेकेंड कंक्लूजन देगा, थर्ड कंक्लूजन देगा। तो इसका पहले फिगर बनाइए, क्या बनेगा फिगर, इसका पहले फिगर बनाएंगे बाबू। तो फिगर बनेगा ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी का मतलब होता है जो आपका ये था और ये कंडीशन बनेगा। ऑल ए जो है यानी ए जो है वो बी के अंडर है, ये चीज है, ये बनेगा केस। ऑल ए इज बी का मतलब जो ए है वो बी के क्या है, अंडर है, ठीक। सेकेंड केस जो बनेगा बाबू आपका, सेकेंड केस जो बनेगा सम बी इज सी, यानी सम बी जो है ये कुछ बी जो है वो सी है। सम बी जो है यानी बी का जो हिस्सा है ये कुछ वाला पार्ट, ये क्या है, सी है, सी है। फिर नॉट सी इज डी, यानी सी का डी से कोई संबंध नहीं है, ये डी हो गया। अब कंक्लूजन ये दे देगा बाबू कि सम डी इज, सम डी इज ए, सम डी इज ए कंक्लूजन मान लो दे दिया सम डी इज ए। तो भैया डी का ए से कहीं रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं तो ये गलत मार देंगे, नहीं, नॉट फॉलोड, फॉलो नॉट फॉलोड, इस तरह होता है। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि सम सी इज ए पॉसिबल, अगर पॉसिबल का केस आ गया तो पॉसिबल का केस में मैक्सिमम मतलब माना जाता है कि 80% 90% केसेस सही होते हैं। भाई पॉसिबल है कि नहीं, सम सी इज ए, कुछ सी का ऐसा ए हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ए को, अगर ए को यहां बनाया जाता, यहां यहां पर बनाया जाता, इस तरह से बनाया गया होता तो ए का हिस्सा इतना हिस्सा बाबू सी हो सकता था कि नहीं हो सकता, मे बी पॉसिबल, पॉसिबल का केस सही होता है। एक इधर और का केस होता है बाबू, इधर और का केस क्या होता है, इधर और का केस क्या होता है, मैं देख लेता हूं क्या है, क्वेश्चन है कि नहीं इसमें इधर और का। देखिए हाँ, जब अब इधर और का केस होता है, इधर और कब लगाएंगे, जब सम के साथ, इधर और कब लगाएंगे, सब जब सम आंख मूंद के मार दीजिएगा, सब सम के साथ सेम स्टेटमेंट में नॉट रहे, नॉट रहे, सम सेम स्टेटमेंट में नॉट रहे। जैसे जैसे क्वेश्चन कह दिया सम ए इज बी, और सेम स्टेटमेंट को, इसी स्टेटमेंट को कह दे, कह देगा कि नो नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो आइदर का केस लग जाएगा, ठीक है, तब तो इधर का केस लग जाएगा, ये तो इधर का केस लगेगा, इधर वन और टू आर फॉलोड, यानी सम इसी सेम स्टेटमेंट में ये एक नेगेटिव रहे एक पॉजिटिव रहे तो केस इधर का लगता है, ठीक है। तो बाबू शुरू करते हैं, क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भैया, सेकेंड क्वेश्चन आ गया, अच्छा चलिए सेकेंड क्वेश्चन से ही करते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से, करिए। अच्छा आ जाता हूँ, ठीक।
क्या क्वेश्चन कर रहे बाबू, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, ये स्टेटमेंट दिया है, इसी पर बेस्ड ये कंक्लूजन दिया है, और पहला दूसरा इसमें से ऑप्शन निकालना है कि ये फर्स्ट फॉलो हो रहा है, सेकंड फॉलो हो रहा है, थर्ड फॉलो हो रहा है कि फोर्थ फॉलो हो रहा है। तो स्टेटमेंट पहले ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है स्टेटमेंट, ऑल टेररिस्ट आर वुमेन, ठीक है, ऑल वुमन आर बैड, बना लो बना लो। ऑल टेररिस्ट जो है बाबू, जो ये टी है वो किसके अंदर है, एच के अंदर, वुमन के अंदर है, और ऑल वुमन जो है वो बैड है, ये जो सभी वुमन है वो क्या है, बैड है, ये केस बनेगा बनेगा, ठीक, ये केस बना। और बाबू कंक्लूजन क्या दिया है, देखिए, ऑल टेररिस्ट आर बैड, ऑल टेररिस्ट आर बैड, क्या ऑल टेररिस्ट बैड है, क्या ऑल टेररिस्ट, भाई बैड के अंदर तो ये सब आ जाएंगे, ऑल टेररिस्ट आर बैड, जाहिर सी बात है ये बैड के अंदर ही तो आएगा, तो एक तो फॉलो हो गया, ये तो फॉलो हो रहा है। दूसरा, नो वुमेन कैन बी अ टेररिस्ट, क्या कोई वुमेन टेररिस्ट नहीं है, है भाई, ये इतना वुमेन तो टेररिस्ट है कि नहीं है, तो फॉलो केवल कौन हो रहा है, ओनली फॉलो वन हो रहा है, तो ओनली फॉलो वन है, क्या कहीं ऑप्शन में, यहां पर इफ ओनली कंक्लूजन फॉलो वन, यहां पर है इफ ओनली कंक्लूजन फॉलो वन, यानी वन सही है सिर्फ, आया समझ में कि नहीं आया, ठीक, ये चीज समझ में आया, ठीक चलिए आंसर लगाइए बाबू, आंसर बताइए, स्टेटमेंट पढ़िए और इसके बाद पहले फिगर बनाइए, इसके बाद आप आंसर बताइए। स्टेटमेंट ये है बाबू, स्टेटमेंट ये दिया है, सम टीचर्स आर फॉलोअर्स, सम फॉलोअर्स आर फेमस, तो सम टीचर्स आर फॉलोअर्स, तो ये टीचर हो गए, इसके कुछ पार्ट फॉलोअर्स हो गए, फॉलोअर्स हो गए, और जो कुछ फॉलोअर्स है, सम फॉलोअर्स जो हैं, सम फॉलोअर्स जो बाबू, ये समूह फॉलोअर्स का जो पार्ट है वो क्या हो गए, फेमस हो गए, ये फेमस हो गया, फेमस हो गया, ये चीजें, ये फिगर बनेगा। अब बताइए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट तो हो गया, कंक्लूजन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि सम टीचर आर फेमस, कहाँ कुछ टीचर फेमस है भाई, मे बी पॉसिबल का केस दिया रहा था तो फेमस हो सकता था, टीचर यहाँ है फेमस यहाँ है, तो पहला तो फॉलोड होगा नहीं, पहला फॉलोड नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सम फॉलोअर्स आर टीचर्स, सम फॉलोअर्स आर टीचर्स, यस वो सही होता है, जो यहां दिया रहा था इसका जस्ट अगर ऑपोजिट लिखता है तो वो सही स्टेटमेंट माना जाता है, तो सेकंड फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन में केवल सेकंड फॉलो होगा, ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ओनली वन कंक्लूजन, सेकंड ऑप्शन है ओनली टू कंक्लूजन, यस ये सही है, यानी ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, ठीक। मे बी पॉसिबल का केस अगर देता है, यहां पर ऑप्शन में देता कि मे बी पॉसिबल दैट इज करेक्ट, वह करेक्ट था, लेकिन पॉसिबल का केस है नहीं तो नहीं लगाएंगे हम, ठीक ठीक है बाबू, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, बिल्कुल सुंदर सा प्यारा सा,
दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा चलिए ठीक करिए। बताइए बाबू, हमने केस क्या बताया था? ये देखो, सम बुक आर पेन, ये बुक हो गया और इसका कुछ पार्ट पेन हो गई। नो पेन इज पेंसिल, पेंसिल अलग कर दीजिए, पेंसिल अलग हो गया। अब बाबू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला कह रहा है सम बुक आर पेंसिल, सम बुक आर पेंसिल, सम बुक आर पेंसिल नहीं, सम बुक आर पेंसिल नहीं है। कहाँ है सम बुक आर पेंसिल? नहीं है ना। सेकेंड क्वेश्चन, नो बुक इज पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल, सेम ये कंडीशन हमने बताया था, इधर और का केस बताया था हमने, इधर और का केस हमने बताया था कि नहीं बताया था? सेम स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहे तो इधर और का केस जाता है। तो इधर और का केस कहाँ है? इधर वन और टू फॉलोड। आया समझ में? इधर एयर का केस हमने बताया था बाबू, कि अगर सेम कंडीशन कुछ बुक पेंसिल है और सेम कंडीशन ये दे देंगे कि नो बुक इज पेंसिल, अगर सेम कंडीशन यहाँ पर दे देता है, इधर और का केस हो जाता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है तो इधर और का केस हो जाता है। बोलिए हाँ भाई जी। चलिए ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट, अच्छा कर लीजिए। हो गया, चलिए ठीक। करिए बाबू इसको, करिए, हट जाते हैं भैया, करिए। क्या कह रहा है भाई? सम डेडिकेटेड सोल आर सोशल वर्कर्स, सम सोशल वर्कर्स आर डेडिकेटेड सोल्स। अच्छा ये तो स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन दे दिया। चलिए ठीक है, फिगर बनाइए। कह रहा है सम डेडिकेटेड सोल्स आर सोशल वर्कर, तो जो सोल है कुछ, वो कुछ सोशल वर्कर्स है, सोशल वर्कर है ठीक। एक मिनट, स्टेटमेंट यहां पर है ना, मैं इसको पढ़ रहा था। ये देखिए बाबू स्टेटमेंट ये है, सम डेडिकेटेड सोल आर एंगल एंजल्स, तो सोल बना लो, ये एंजल बना लो। ठीक, सम ऑल सोशल वर्कर आर एंजल, जो ऑल सोशल वर्कर है वो एंजल है, सॉरी ऑल जो सोशल वर्कर हैं वो बाबू एंजल है। तो ये हटा दोगे, ये हटा दोगे, ये जो हटा दोगे आप, ये अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा जो सोशल वर्कर हो जाएगा, क्योंकि ऑल सोशल वर्कर जो है एंजल के साम अंदर है, कह रहा है ना ये क्वेश्चन, ऑल सोशल वर्कर आर एंजल्स, तो ये एंजल हो जाएगा, एंजल तो सोशल वर्कर ये हो जाएगा, SOCI सोशल वर्कर, ये केस बनेगा ठीक। जो कुछ सोल है वो एंजल है, कुछ ऑल जो सोशल वर्कर है वो एंजल है, ऑल सोशल वर्कर जो है वो एंजल है, यानी एंजल के अंडर आ जाएगा। तो जैसे ऑल एज भी,
तो ऑल एज भी जो है बाबू, तो बी के अंदर ए है ना, ये बी हो गया, ये चीजें होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता। ए इसका अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन है क्या बाबू? कंक्लूजन पहला है, पहला कंक्लूजन का सम डेडिकेटेड शूल आर सोशल वर्कर्स। कहाँ पर कुछ कुछ डेडिकेटेड जो शूल्स हैं वो सोशल वर्कर हैं क्या? कहाँ पर दिख रहा है ये शूल्स है, ये सोशल वर्कर है कहाँ पर? कुछ ये अगर कहता कि कुछ एंजल जो है वो सोशल वर्कर है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, और सेकेंड का क्वेश्चन कह रहा है सम सोशल वर्कर आर डेडिकेटेड शूल, सम सोशल वर्कर आर डेडिकेटेड शूल, कहाँ पर देख रहा है भाई? कहाँ, जरूरी थोड़ी है कि सम आर पॉसिबल अगर देता, जब तक कंफर्म ना रहे तब तक ये स्टेटमेंट में सही नहीं मार सकते। मे बी पॉसिबल, अगर क्वेश्चन पॉसिबल में देता कि आर पॉसिबल, तब सही मारते, जब तक इसके साथ ये कम्बिनेशन ना बने तब। अगर यही कहता कि नॉट नॉट अगर लगा देता तब सही मानते, क्योंकि कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। यानी अगर सोशल वर्कर इसमें नहीं कहीं कंबाइन देख रहा है बाबू, तो ये दोनों ही फॉलो नहीं होगा। तो नाइदर वन नॉट टू है क्या कहीं? नाइदर और नॉट टू, ठीक है। फिगर बनाइए, फिगर से ही सब कुछ होगा। ठीक, चलिए बाबू करिए। आंसर बताइए। हाँ जी, आ गया, बताएं। फिगर बनाइए, पहले स्टेटमेंट का फिगर बनाइए। इसका कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है, मेन चीज़ है ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पढ़िए और फिगर बनाइए क्या कह रहा है। फिगर बनाने के लिए भी तो जगह है नहीं बाबू, एक मिनट, इस चीज़ को हटा ही देते हैं टोटल यहाँ से। अब ये कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, चले बताइए, देखिए क्या है। देखिए बाबू, सॉरी, देखिए सम टीचर आर फॉलोअर्स, वो तो सेम वही क्वेश्चन है लगता है, सेम वही क्वेश्चन आ गया। सम फॉलोअर्स आर फेमस, सम टीचर आर फेमस, ये स्टेटमेंट दे दिया, वही तो सेम है। एक मिनट देख लेते हैं। सम टीचर जो है बाबू, सम टीचर जो है, ये टीचर जो है, कुछ टीचर जो है वो क्या है? फॉलोअर्स है। सम फॉलोअर्स जो है वो फेमस है। फेमस है तो अब स्टेटमेंट क्या दिया रहा था? सम टीचर आर फेमस, सम टीचर आर फेमस कहाँ पर पॉसिबल है? सम फॉलोअर आर फेमस, अब ये ओनली ये, इसके बाद क्या दिया था? सम फॉलोअर्स आर टीचर, सम फॉलोअर्स आर टीचर, यस कम सही है, ये चीजें तो हो गया था। दो बार टाइपिंग हो गया होगा। हाँ जी करिए, दिख रहा है साफ साफ, करिए।
स्टेटमेंट दिया है बाबू, क्या स्टेटमेंट दिया है? यहां से पढ़ो स्टेटमेंट। ऑल यूटेंसिल इज स्पॉन्ज, ऑल बॉलर्स आर स्पॉन्ज। लो बना लो फिगर। ये जो और टेंसिल है जो बाबू, ये क्या है? स्पून है। ये स्पून है, ये स्पून यहाँ बन जाएगा, ठीक, स्पून यहाँ बन जाएगा। और जो ऑल वॉल्वर्स आर स्पून्स, अच्छा ऑल जो वॉल्वर्स है वो भी स्पून है, तो यहाँ बना दो बी को बी ओ, ये केस बन जाएगा ऑल बॉलर्स आर स्पून। अगर कहा था कि ऑल स्पून इज बॉलर, तब बॉलर्स के अंदर ये स्पून को बॉलर्स के अंदर कर देते, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, ये बना दो यहाँ फिगर बाबू बढ़ा से। स्पून हो गया, स्पून के बाद आपका ये ऑर्टेंस हो गया, इसके बाद इसके बाद इसमें ही हो गया बाबू क्या बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें स्टेटमेंट क्या दिया, कंक्लूजन क्या दिया है बाबू? कंक्लूजन कहाँ है इसका? कंक्लूजन नो ऑल्टेंस इज अ बॉलोस, कहाँ? सही बात है, आंसर बताइए आप लोग, फिगर बना दिएगा, आंसर बताइए। ये बताइए स्टेटमेंट ये दिया है सम और ये क्या है? सम ऑल्टेंसिल आर वॉलोस, नो स्पून आर ऑल्टरनेस। सम और नो का केस आ गया, इधर का केस है क्या कहे? इधर वन और नॉट पॉसिबल, ये और फॉलोड, यस ये आया समय में कि नहीं आया? इधर और का केस आ गया, सम और के साथ नॉट आ गया, तो इधर और का केस चला जाता है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ बिल्कुल, अब देखो इनका इनका हिसाब ही अलग है। क्या ही कहा जाए, कहां तक हो गए थे बाबू? एड करना है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर एड करना था बाबू, करिए। थोड़ा बनाने के लिए फिगर बनाने के लिए जगह है नहीं, अच्छा इसको छोटा करके कर लेंगे, ठीक। चलिए अब छोटा करके इसको किया जाएगा, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को छोटा करके फिगर बनाएंगे बड़ा सा, तब समझ में आएगा। आठवां क्वेश्चन करिए, चला जाए, अब इसको थोड़ा छोटा किया जाए, क्वेश्चन लिख लिया ना आप लोग, छोटा किया जाए इसको, इसके बाद किया जाए क्वेश्चन सॉल्व। हाँ बाबू देखिए स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है ये देखिए, जो ऑल जेलिस है वो क्या है? जेलसी, एक मिनट फिगर गलत बन गया,
क्या है ये? जर्नलिस्ट। और सेकेंड जो लाइन है बाबू, सम जर्नलिस्ट आर ओनियंस, तो ये कुछ ओनियंस है। क्या है ओनियन ना? फिर और क्या है? ऑल ओनियंस आर पोटैटोस, ऑल ओनियंस आर पोटैटोस, पोटैटोस ठीक है। और क्या है? नो पोटैटोस इज जिंजर, यानी जिंजर अलग हो जाएगा, जिंजर अलग हो गया, ठीक ठीक है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट बना, आपका ये फिगर बना, ठीक। अब बताओ स्टेटमेंट तो बना दिए, अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? नो ओनियन इज जिंजर, नो ओनियन इज जिंजर, बात तो सही है, बात तो सही है भाई, नो ओनियन इज जिंजर, ओनियन यहाँ पर है, जिंजर यहाँ पर, बात तो सही है, पहला तो सही माना जा रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही माना जा रहा है, ठीक। सेकेंड क्या कह रहा है बाबू? कंक्लूजन, कंक्लूजन सेकेंड क्या कह रहा है? सम जर्नलिस्ट आर पोटैटोस, पोटैटोस है क्या कुछ जर्नलिस्ट? हाँ, इसका ये पार्ट है कि नहीं पोटैटोस? बिल्कुल सही बात है, ये पार्ट है कि नहीं जर्नलिस्ट का कुछ पोटैटोस है कि नहीं? ये ठीक, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, अरे सॉरी, दूसरा भी कंक्लूजन सही, तीसरा सम चालीस आर पोटैटोस कहाँ पर है? चालीस यहाँ पर है, पोटैटोस कहाँ पर? पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर है और ये पोटैटोस यहाँ पर है ना, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। केवल कौन कौन फॉलोअर्स है, कौन कौन फॉलो कर रहा है बाबू? एक और दो है क्या? ओनली वन और टू फॉलोअर्स ये है, फिगर के हिसाब से काम करेंगे, ठीक। मे बी पॉसिबल का केस रहता तो हो सकता था, मे बी पॉसिबल का केस रहता तो हो सकता था, आप तब तक 100% सही श्योर नहीं मारेंगे जब तक क्वेश्चन में पॉसिबल का केस ना दिया रहे। होगा क्वेश्चन में पॉसिबल का केस होगा, कहीं देखा जाएगा। इसको करिए, मेन चीज है कि बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस है नहीं ना फिगर, इसका बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए बताओ, बताइए आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 बताया जाए, फिगर छोटा किया जाए पहले, इसके बाद फिगर बनाया जाए, इसको छोटा करके फिगर बनाते हैं। हाँ, स्टेटमेंट क्या दिया है बाबू? सम विंडोज आर डोर, सम विंडोज डोर है, क्या है? सम विंडोज आर डोर है ना, जो विंडो है वो डोर है, और डोर है, और ऑल डोर आर वॉल्स, जो ऑल डोर है ऑल जो डोर है बाबू वॉल्स है, ये वॉल है, ठीक। इसके बाद नो वॉल इज रोप, कोई भी वॉल रोप नहीं है, रोप अलग हो गया बिल्कुल, और ऑल रोप इज शेल्टर्स, ऑल रोप इज शेल्टर्स, शेल्टर्स। चलो तो क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, पढ़िए उसको ध्यान से। चलिए फिगर बना दिए हैं, बताइए आंसर।
आंसर बताइए। क्या है बाबू पहला आंसर? कंक्लूजन ये दिया है, कंक्लूजन पहला दिया है कि सम विंडोज और वॉल, सम विंडोज और ऑल वॉल्स, सम विंडोज जो है वॉल है, पॉसिबल है क्या? सम विंडो और वॉल्स कहाँ पर है? बिल्कुल सही है। ये जो वॉल है बाबू, ये जो वॉल है, ये विंडो के अंदर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये विंडो के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक तो पॉसिबल है, फर्स्ट फॉलो है, यानी फर्स्ट फॉलो है। सेकेंड, नो वॉल इज, नो का प्रयोग दे दिया, नो वॉल इज शेल्टर। सम वॉल के अंदर देखो, वॉल यहाँ विंडो, विंडो और यहाँ भी वॉल्स रहता तब ये इधर का केस रहता, लेकिन यहाँ शेल्टर दूसरा चीज आ गया। तो नो वॉल, नो अगर दे दिया तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव तो ऐसा ही गलत मार दो। ठीक, सेकेंड के ये नो डोर, ये भी गलत मार दो भाई, मे भी पॉसिबल हो सकता है। तो ओनली एक फॉलो कर रहा है, तो ओनली वन फॉलो है क्या ऑप्शन में? एक फॉलो है, ओनली वन फॉलो। नो का केस आ जाएगा अगर पॉजिटिव थिंग्स में, तो आप उस पॉजिटिव स्टेटमेंट में, तो आप वहां पर सीधा गलत मानना। नो का केस एक ही साथ चलेगा, सम सम के साथ, तो वो भी केस कहाँ जाएगा? इधर और के साथ चला जाता है। कहाँ पर? इधर और के साथ चला जाता है। ठीक, चलिए कर लीजिए इसको। दिख रहा है ना? चलिए करिए, पहले इसको कर लीजिए, इसके बाद छोटा करके फिगर बनाते हैं। आंसर आ गया। पांच ठो इसमें कंक्लूजन दे दिया है ऑप्शन के साथ। चलिए करिए, तो हटाएं ऑल बोतल ऑफ जार्स आर पॉइंट आर टॉप, सम जार आर पॉइंट नो टॉप फॉर थिंक टैंक। चलिए करिए, तो फिगर बना लीजिए पहले। फिगर बनाया जाए, स्टेटमेंट यहाँ से बाबू दिया है, स्टेटमेंट यहाँ से दिया है, ऑल बोटल आर जार्स, जो ऑल बोटल्स है, जो ऑल बोटल है बाबू, वो किसके अंदर है? जार के अंदर है। का है? जार ही ना है, जार्स। ठीक, ऑल जो आपका पोर सा है वो टैप है, पोर का टैप से कोई रिलेशन है नहीं, जो ऑल, लेकिन यहाँ पर सम जार आर पोर्ट्स, और सम जार जो दिया है यहाँ पर, ये देखो सम जार जो दिया है बाबू वो पोर्ट्स है, सम जार जो दिया है क्या है? पोर्ट्स है। अब पोर्ट्स का रिलेशन यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर ऑल पोर्ट्स आर टैप, तो ऑल जो पोर्ट्स है बाबू वो टैब है। क्या है? टैब है। ऑल पोर्ट्स, ये ऑल पोर्ट्स आर टैब। अब यहां पर नो टैब इज टैंक, टैंक अलग बना दो। ठीक, टैंक अलग बना लो। अब देखिए फिगर तो आपके पास बन चुका है, अब कंक्लूजन क्या क्या बन रहा है ये बताइए। कंक्लूजन कौन कौन सही हो रहा है ये बताइए। ठीक बताइए। अच्छा चलिए, ठीक
आ गया आंसर, ठीक है बिल्कुल। क्या आया बाबू? ये दिया है क्वेश्चन, कंक्लूजन दिया है नो। नो का केस आ गया तो पहले ही गलती मारो। नो का केस सिर्फ सम के साथ हो सकता है। देखो यहां पर सम जार आर टैंक्स, यहां पर जार और टैंक है ही नहीं, तो सम के साथ इधर का केस कहां लगाओगे? सम जार आर टैंक्स, तो सम जार आर टैंक्स है क्या? टैंक्स यहां पर है, जार यहां पर है, कहां पॉसिबल है भैया? ऐसे कैसे करवा दोगे? पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, एक मिनट, ये भी नहीं। और सम बोटल्स आर पॉट्स, सम बोटल आर पॉट्स है क्या? बोटल बोटल यहाँ पे है और पॉट्स यहाँ पर, कहाँ पर है? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल का केस देता, मे बी पॉसिबल, तब सही मारते। तो यहाँ पर है तो कहाँ पर है? नहीं है। ये भी थर्ड भी कैंसल। तो क्वेश्चन में क्या है? एक फॉलो नहीं, दूसरा फॉलो नहीं, तीसरा फॉलो नहीं, ओनली वन और टू फॉलो नहीं, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, इसके बाद करते हैं। आ गया, स्टेटमेंट का वो बनाई, फिगर बन गया। सम फिश आर क्रोकोडाइल, नो स्नेक इज देयर, सम क्रोकोडाइल्स आर स्नैक्स, आर फ्रिज आर फॉक्स, फॉक्स। चलिए बनाए, फिगर बन गया होगा आप लोग का, उम्मीद है। उम्मीद मत करिए सर। नहीं, ठीक है बाबू। चलिए बाबू स्टेटमेंट करते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है? सम फिश आर क्रोकोडाइल्स, ये फिश यहां बना दो, ठीक है, क्रोकोडाइल यहां बना दिए। नो स्नेक इज टेररिस्ट, इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सम यहां पर सम क्रोकोडाइल आर स्नेक, सम क्रोकोडाइल जो है स्नेक है, स्नेक है, सम क्रोकोडाइल स्नेक है। स्नेक होने के बाद अब ये केस देखो, ये नो स्नेक इज टोर्टोइस, ये क्या होता है? अच्छा टोर्टोइस, ठीक है, नो स्नेक इज टोर्टोइस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोर्टोइस के केस में क्या दिया है? ऑल टोर्टोइस आर फ्रॉक्स, तो यहाँ पर टोर्टोइस अलग बना दो और ये फ्रॉक्स अलग बना दो, क्योंकि ऑल टोर्टोइस क्या है? फ्रॉक है। अब यहाँ पर केस ये समझ में आया, ये फिगर बना। अब फिगर ये बना बाबू, तो ये बताओ आप, टोटल लिखने के पूरा मीनिंग लिखने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा बड़ा फिर फिगर फिगर में आएगा ही नहीं, शॉर्टकट लिख लो, वो तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, ठीक। अब बताओ कंक्लूजन क्या दिया है? नो स्नेक इज फ्रॉग, नो स्नेक इज फ्रॉग क्या है? नो कह रहा है भाई, नो पॉसिबल है ही नहीं, नो का केस पॉसिबल है ही नहीं। नो स्नेक इज फ्रॉग मे बी पॉसिबल हो सकता था, लेकिन आपने कह दिया सीधा सीधा नो। नो का मतलब गलत, पहला स्टेटमेंट ही गलत, ठीक है। नो के साथ लगता, अगर सम का केस आता तो इधर और का केस लग जाता था, लेकिन स्नेक और फ्रॉग यहाँ भी होना चाहिए, स्नेक और यहाँ फिश है तो केस बनेगा ही नहीं। स्नेक फ्रॉग यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन ये बनेगा ही नहीं। तो ये चीजें आपको, ये स्नेक के साथ फ्रॉग रहता तो बन सकता था,
ये होगा नहीं। और क्या रहता है, सब स्नेकर फिश, सब स्नेकर स्नेक यहाँ पर है, फिश यहाँ पर है, कहाँ पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा भी नहीं। सम फिश आर फ्रॉक, सम फिश आर फ्रॉक, फिश और फ्रॉक कहाँ है क्या? कुछ कह रहा है कि कुछ फिश जो है फ्रॉक है क्या? है ही नहीं। तो और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कर रहा है? अच्छा इतना स्टेटमेंट है, यानी कोई फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन में कोई है क्या? नॉन फॉलो। अच्छा नो फॉलो है, पहला ही ऑप्शन है नॉट फॉलो। चीजें आया समझ में? इसमें इधर और का केस दिया है क्वेश्चन में, देखिए तो अलग रहा है क्या? इधर और का केस, इधर और का केस कब लगता है? जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव रहे, सेम स्टेटमेंट पे बात हो, सेम स्टेटमेंट पे बात होता है नेगेटिव पॉजिटिव में, तब बताइए आंसर बताइए। सॉरी फिगर बनाइए, इसके बाद बताइए आंसर। स्टेटमेंट क्या है बाबू? ठीक है मार्बल्स है, अच्छी बात है, हो गया। चलिए छोटा इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। स्टेटमेंट क्या है? सम सीड्स आर रोट, जो सीड्स है कुछ वो कुछ रोड है, यही है ना? रोड है ना। और नो सीड्स इज अ फॉइल, अच्छा कोई सीड फॉइल नहीं है। और यहाँ पर ऑल रोड आर मार्बल, ऑल जो रोड है बाबू वो मार्बल है, मार्बल है, मार्बल लगा हुआ है। और ये क्वेश्चन बना लो, ये नोट सीट्स इज अ फॉयल, नोट सीट्स आर इज अ फॉयल, तो यहाँ पर सीट्स लिख लेते हैं, यहाँ पर फॉयल लिख लेते हैं, नोट सीट्स आर फॉयल, ठीक यही ना है, नोट सीट्स इज फॉयल, ठीक हो। ये अलग अलग है, फिगर आपके पास बन चुका है, यही फिगर बनेगा। अब क्वेश्चन में दिया क्या है आपका, कंक्लूजन क्या दिया है बाबू? कंक्लूजन यह दिया है, नो फॉइल इज अ मार्बल, नो फॉइल इज अ मार्बल, नो फॉइल इज अ मार्बल। भाई ये बताओ नो फॉइल इज अ मार्बल, ये सही है क्या? नो फॉइल इज, एक मिनट, यहाँ पर नो फॉइल इज अ मार्बल, नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नो का केस जब आ जाए तब गलत हो जाता है बाबू, नो का जब केस आ जाता है तब आप गलत कर दो, ठीक। दूसरा केस जो है सम सीट्स आर मार्बल, सम सीट्स आर मार्बल पॉसिबल है क्या? हाँ ये तो है ही है, इतना तो पाठ है ही ना है, तो दूसरा तो फॉलो है, दूसरा तो फॉलो कर रहा है। और तीसरा कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है बाबू? सम रोड आर फॉइल्स, सम रोड और फॉइल्स है क्या? सम रोड और फॉइल्स कहाँ पर है? नहीं तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा नहीं हो सकता, ये फॉलो कर रहा है। चौथा का कह रहा है सम रोड आर नॉट फॉइल, नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया, सम रोड आर नॉट फॉइल, यस करेक्ट, सम रोड आर नॉट फॉल, सम रोड इज फॉइल बोलता, सम रोड और फॉइल बोलता तब गलत हो जाता, लेकिन नॉट बोल दिया तो सही बात है, कहाँ है कि नहीं? तो चौथा सही हो जाएगा, चौथा भी सही है, तो है ऑप्शन में कोई क्या? दूसरा और चौथा सही, ओनली वन फॉलो नहीं, ओनली टू फॉलो नहीं, इधर और नॉट ना ना, हाँ है तो ये
नॉट लगा दिया बाबू, यहाँ पर नॉट लगा दिया। अगर यहाँ पर नॉट ना लगा कर कहता सम रोड आर फॉल्स, सम रोड आर फॉल्स कहता तो ये गलत हो जाता। सम रोड आर फॉल्स है कहाँ, रोड आर फॉल्स है कहाँ, लेकिन कह दे सम रोड आर नॉट फॉल्स, ठीक है कुछ रोड नॉट नहीं है, ये सही बात है भाई, कुछ कहाँ है। हाँ जी, सम के साथ नॉट अगर अलग से केवल नो रहे, यहाँ पर नो है तो नो रहेगा तो गलत हो जाएगा। अगर सम के साथ नॉट आता है तो वो सही हो जाएगा, इसके साथ ना सम के साथ नॉट आता है तो वो सही हो जाएगा। करिए क्वेश्चन नंबर 30। बताइए आंसर, बताइए बाबू। आंसर क्या आया? छोटा करे बनाए, चलिए आइए, बन गया, ठीक है, वेरी गुड, इट्स गुड। स्टेटमेंट क्या दिया है बाबू, स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट दी, सही लिखा है। एमएलए ऑनेस्ट होते हैं क्या? कोई भी एमएलए ऑनेस्ट नहीं है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये नहीं फिगर बनेगा। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सम नॉट, एमएलए साहब हैं और ये ऑनेस्ट है, ठीक है ऑनेस्ट। सम एमएलए आर डिसऑनेस्ट, सम एमएलए आर डिसऑनेस्ट, सम एमएलए आर नॉट। अच्छा, सम एमएलए जो है एमएलए वो डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट, ठीक है डिसऑनेस्ट है। थर्ड क्या दे रहा है? थर्ड दे रहा है सम डिसऑनेस्ट आर एमएलए। सम डिसऑनेस्ट, सम डिसऑनेस्ट जो है वो एमएलए हैं। ये टोटल क्वेश्चन, टोटल इट्स रियलिटी ऑफ एमएलए। कुछ क्वेश्चन जो कुछ एमएलए हैं वो ऑनेस्ट है, कुछ ऑनेस्ट नहीं है। यहाँ नॉट ऑल ऑनेस्ट नहीं लिखना, ऑल ऑनेस्ट नहीं लिखना चाहिए था। क्वेश्चन सही है, टोटल क्वेश्चन आप लोग का जो एमएलए है उन पे बेस्ड है। सही बात है, कोई भी एमएलए ऑनेस्ट होता है क्या? चलिए आंसर बताइए। कह आ रहा है बाबू, आप कंक्लूजन कह आ रहा है सम एमएलएस आर लीडर, कहाँ पर है लीडर है क्या? सम लीडर का कहीं ये मत देखेगा, एमएलए लीडर ही होता है क्वेश्चन के हिसाब से। वो तो एमएलए लीडर होता है अकॉर्डिंग टू पॉलिटी, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स, क्वेश्चन के हिसाब से देखिए लीडर्स है क्या, नहीं तो पहला स्टेटमेंट गलत मार देंगे। दूसरा कह रहा है ऑल दिस ऑनेस्ट आर ऑन, ऑल दिस ऑनेस्ट आर ऑनेस्ट, ऑल दिस ऑनेस्ट आर ऑनेस्ट कहाँ, ऑल दिस ऑनेस्ट एमएलए होगा यहाँ पर, मिस्टेक है थोड़ा सा, और ऑनेस्ट ये भी गलत है।
नो लीडर इज ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, इसमें से कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहा है बाबू, इसमें कोई नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई फॉलो नहीं है, नॉन ऑफ दीज। अगर फिगर आपको बनाने आ गया तो क्वेश्चन 100% श्योर हो जाओ कि सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था। एमएलए और एमपी, एमएलए होता है बाबू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए बैठता है सीएम साहब के साथ, एमपी बैठता है प्रधानमंत्री के साथ। एमएलए बैठता है विधानसभा में, एमपी बैठता है सांसद भवन में। चलिए तो बाबू इस क्वेश्चन को मैं देता हूं आप लोग को HW होमवर्क, इस क्वेश्चन को करिए और अच्छे से आंसर बताइए। आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा आप लोग का एपिसोड, तब तक के लिए आप लोग स्माइल के साथ एकदम क्वेश्चन को करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए और अपने लाइफ पे फोकस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।